सब रिलॉन्च करेंगे। जब ये मेरी सिलसिले चलेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इनडायरेक्ट रोजगार 4000 का होगा, डायरेक्ट रोजगार 1700 का हमारा इस महीने। इम्प्लॉयज की अगर बात करें सर, काफी कुछ चर्चा यहाँ पर रही, विवाद में भी ये मिल रहा है, उस विवाद को कैसे कम किया जाएगा? इम्प्लॉयज की अगर बात करें तो कैसे हायर किए जाएंगे या जो काम कर रहे हैं क्या रहेगा उनके लिए? देखिए, जो हमारे परमानेंट इम्प्लॉयज थे उसमें से अभी आज ऑन रोल हमारे पास 125 है और वो 125 आज भी हमारे रोल्स पे हैं और जैसे ही मिल में काम शुरू होगा तो उनको दोबारा काम फुल टाइम बुलाया जाएगा। और पहले जो हमारे कैजुअल रहे हुए हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर रहे हैं, जो भी मेडिकली फिट होंगे और जिनके अंदर गुणवत्ता होगी और हमारे लिए उनके अंदर स्किल्स होंगे, हम उनको पहली प्रायोरिटी देंगे। हमारे आज हमारे पास कैजुअल और परमानेंट मिला के ऑन रोल्स 300 लोग ही, हमारे रिक्वायरमेंट तो 1500 लोगों की है। तो जो हमारे पुराने लोग हैं वो तो हमारे लिए बहुत बड़े एसेट हैं, हमको तो और लोग लाने पड़ेंगे बाहर से, तो पुराने लोगों को पहले हम लेंगे। हाँ, एक चीज जरूर है कि हम उनकी कॉम्पिटेंसी मैपिंग करेंगे, मेडिकल टेस्ट मेडिकल चेकअप कराएंगे और उनके पुराने रिकॉर्ड चेक करेंगे कि वो कोई एंटी सोशल या गलत काम तो नहीं करते थे, सिंसियर थे काम में। क्योंकि आज के जमाने में कोई भी बिजनेस, कोई भी मिल बिना सिंसियरिटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन और क्वालिटी के नहीं चल सकती है। प्रोडक्शन की बात करें, कितनी प्रोडक्शन रहने वाली है? हमारा प्रोडक्शन 200 टन पर डे रहेगा। कैसे इसको सर रेडार ने किया है 200 टन को, कहाँ का इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेन मार्केट हमारा इसमें दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और नेपाल भी हम कुछ एक्सपोर्ट करें। ये मार्केट तो हमारे हमने ऑलरेडी टाई अप कर लिए हैं और हमारे जो भी जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो नेटवर्क हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो जैसे हम प्लांट का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू करेंगे, हमारे डीलर्स को सैंपल भेजने हम शुरू कर देंगे और अक्टूबर नवंबर से हम प्लांट का फुल फ्लेज प्रोडक्शन स्टार्ट करके और इसको पैन इंडिया भेजेंगे। कुछ माल हम एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, जो हमारे पुराने एक्सपोर्ट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनसे भी हम टच में हैं, वो भी बहुत खुश है कि चलिए बिल्ड दोबारा आ रही है, उनको उस क्वालिटी का पेपर दोबारा मिलेगा। एक सर सबसे बड़ी चीज जो है पीएफ की हमने यहाँ पर देखी और काफी कुछ जो है विवादों में भी ये मिल रहा है, उस चीज को लेकर कैसे सॉर्ट आउट किया गया है? देखिए, पीएफ का मैटर इस समय सब जूडिस है और उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर आश्वासन देना चाहूंगा कि हम कोई भी काम कानून से बाहर और लॉ से बाहर नहीं करेंगे। मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट जो असेसमेंट करेगा, कोर्ट का जो फैसला होगा उस, और आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 के अंतर्गत हमारे को जो जो काम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड और जो हमारा रेजोल्यूशन प्लान है जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसके तहत हमारी जितनी भी देनदारी बनेगी, जो कुछ भी हमारी कमिटमेंट है, हम सारी पूरी करेंगे। आउट ऑफ द वे इलीगल काम हम कोई नहीं करेंगे, ये हमारा एश्योरेंस है पूरे समाज को और सोसाइटी को। बिल्ड के बारे में थोड़ा सा सर से और कुछ यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यमुनानगर जब स्थापित हुआ था, जब इसकी रीव रखी गई थी, उससे पहले की जो है ये फैक्ट्री जो है ये यहाँ पर जो कंपनी है वो यहाँ पर बसी हुई है और इसकी प्रोडक्शन वहां पर चलती थी। सर, बिल्ड कब से यहाँ पर जो है प्रोडक्शन में आया और कितने साल हो गए इस बिल्ड को यहाँ पे? मैं जो रिकॉर्ड से देख पाया हूँ 6 महीने में, उस रिकॉर्ड के हिसाब से तो 1942 के बाद का रिकॉर्ड है। कुछ काम यहाँ पहले भी था लेकिन 1942 के बाद ये मिल पूरी स्टेब्लिश हुई थी, ये हमारे रिकॉर्ड्स बताते हैं पुराने। और इसके बारे में कितनी इसकी लैंड है, कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनको इसके बारे में नहीं पता, उनको उन तक हम इस चीज को पहुंचाएंगे तभी बिल्ड का थोड़ा सा उनको भी पता लगेगा कि हाँ यमुनानगर की कंपनी है और यहाँ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सर। जो यमुनानगर इसको बोला गया था पेपर में कॉलोनी और ये यमुनानगर नगर शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 170 एकड़ लैंड में बसा हुआ है, जिसमें से हमारी जो प्लांट और मशीनरी है ये 100 एकड़ के आसपास है, बाकी जो लैंड है उसमें बाहर हमारे पास में क्वार्टर्स हैं जो कि पुराने अबैंडन हो चुके हैं, लेकिन टोटल जो लैंड है वो 170 एकड़ के आसपास है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो सर ने बिल के बारे में बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दिया और एक खुशखबरी ये है कि मिल जो है वो दोबारा से यहाँ पर रनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे में
जो अक्टूबर और नवंबर का जो यहाँ पर मंथ यहाँ पर है उसमें फुल फ्लैश तरीके से ये मिल जो है प्रोडक्शन यहाँ पर अपनी स्टार्ट कर देगी। और एक रोजगार की अगर बात करें तो बहुत अच्छा रोजगार जो है यहाँ पर लोगों को मिलेगा। मार्केट जो काफी टाइम से स्लो चल रही है उसमें एक बहुत ज्यादा बूम मिलेगा। तो एक अच्छी जो पेपर मिल का जो नाम था जिससे यमुनानगर जाना जाता था वो नाम दोबारा से अब बिल्ट की और जो है फिनिप्स जो कंपनी है उसको जो है एक दर्जा दोबारा से यहाँ पर यमुनानगर को मिलने जा रहा है। कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सहजवानी, सेटेलाइट हरियाणा।